Sorry, as I have to go, so I asked that they can grant leave to me. The whole team of Commerce Teachers Association, starting from Dr. Dinesh Madan and the present president, I can say there are a series of distinguished guests. Mr. Raina, the chief guest of today, director of finance of a big organization. Mr. Rastogi, the most renowned college is Sri Ram College of Commerce, and we are thankful that you are here being the principal of that prestigious college. Mr. S.S. Sehrawat from Kendriya Vidyalaya, Madam Savita, and all others. And of course, last but not least, my elder brother, my guide, Gurmeet Singh Grewalji. Dhananjay Shukla, the regional council chairman of NIRC, Nitesh, the treasurer of NIRC. Today, I'm not from Delhi. I came to Delhi few years back, and the time I came to Delhi, just after 2 years after that, I came in connect with Gurmeet Grewal sir. And I can say, now, I'm a council member of ICI, a government nominee of ICSI, an advisor to Central Board of Film Certification and few committees of ministry, the Investor Protection Board, Pension Fund and all was also spokesperson of Delhi BJP and so. But lot of this credit goes to a person who had guided, who is a mentor, like Gurmeet Grewal sir. So hats off and salute to you. Friends, as you all are a commerce student, I was also a commerce student and had read the T.S. Grewal and Shukla Grewal book. उसको पढ़ करके यहाँ पहुँचा हूँ और मुझे भी नहीं पता था कि जब मैं उड़ीसा के उस रिमोट गांव में पढ़ता था तब कभी मेरे को ऐसा मौका मिलेगा कि मैं ग्रेवाल साहब के बेटे के साथ में गुरमीत ग्रेवाल जी के साथ में शेयर करूँगा चेयर्स सो आई नेवर न्यू दैट यो ऑल आर कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड आई विल से पर्टिकुलर थिंग्स अबाउट कॉमर्स स्टूडेंट्स पहले तो उन टीचरों को जरूर मैं नमन करता हूँ उन टीचर्स को जिन लोगों ने उन स्टूडेंट्स को कार्व करके यहाँ तक पहुँचाया है ऑल क्रेडिट गोज टू यू ऑल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से कंपेयर किया गया है वही आप दुनिया में किसी भी बड़े आदमी को देखिए कई बड़े बड़े इंडिया के अंदर में लीडर्स बिरला बहुत बड़ी एक यूनिवर्स है उसके अंदर में कई बड़े बड़े नाम रहे कई उनके एमडीज और चेयरमैन रहे सबके नाम पता आपको नहीं पता आपको अगर अपने स्कूल के टीचर के बारे में अगर कोई पूछे तो उसका नाम भी पता है और आप दिल से भी जुड़े हुए रहते हो मेरे स्कूल की एक एलुमनी मीट में मैं नहीं जा पाया था मेरी फॉर्मर प्रिंसिपल वहां आई थी और वहां उसने कुछ लोगों को पूछा कि राजेश के अभी कैसे हालचाल हैं देन सी टुक माय नंबर से कॉल्ड अप मैं इमोशनल हूं स्ट्रांग भी हूं पर मुझे याद नहीं आता कि मेरे आंखों से कभी आंसू आए होंगे पर जब मेरी प्रिंसिपल ने फॉर्मर प्रिंसिपल ने मुझे कॉल किया मेरी आंखों में आंसू आ गए थे मेरे को लगा कि जिस बंदे ने अपने दिन रात लगा करके मुझे यहां तक पहुंचाने में मुझे कार्व करके एक अच्छा इंसान बनाने में जिसने हेल्प करी है वो ये प्रिंसिपल है मैं इसका एहसान जिंदगी में नहीं भूल सकता अगर मैं कुछ भी हूं जो संस्कार मुझे मिले हैं वो इन्होंने दिए हैं यू क्रिएट द फ्यूचर आपके पास जब एक बच्चा आता है तो एक रॉ पत्थर की तरह आता है आप उसको कट करते हो कार्व करते हो उसको मूरत बना करके अपने यहां से भेजते हो वो एक टीचर का दायित्व है वो एक टीचर का काम है यू क्रिएट पर्सन्स
भगवान ने इंसान बनाया होगा पर वो टीचर उसको जेंटलमैन बनाता है। भूतों तारीफ है इनकी, ना तरासे थे तो पत्थर थे, तरासे तो खुदा निकले। ये जो भी लोग निकले हुए हैं वो सब इन टीचर्स की देन है। हम जितने लोग, अगर हम कोई भी चीज को देखें, ये जो डायमंड पत्थर हम लोग पहनते हैं उसको किसी ना किसी ने कट कार्व किया था, ये जो सोना है किसी ने उसको गलाया जलाया और ऑर्नामेंट बनाया, ये सारी चीजें एक टीचर ही करती है। यू गिव अ लाइफ टू दैट स्टूडेंट। बहुत चीजें नहीं कहूंगा बट कॉमर्स के बारे में जरूर कुछ कहूंगा। कॉमर्स मेरे दिल से बहुत अजीज है, बहुत नजदीक है। और मैं आपको बताऊं, कॉमर्स जैसी कोई स्ट्रीम ही नहीं है। क्यों ऐसा कहूंगा, आप कभी आर्ट्स या साइंस के स्टूडेंट को देखिए। आर्ट्स का स्टूडेंट सोचता है कि मैं पीएचडी करूंगा, मैं कुछ और प्लान करूंगा, मैं यूपीएससी क्लियर करूंगा और कुछ अलग अलग चीजें अगर उसकी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं सिर्फ वो कुछ छोटे मोटे काम करता हुआ रह जाता है। और अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट को देखें, इंजीनियर बनूंगा और डॉक्टर बनूंगा बहुत कुछ सोचता है, और अगर नहीं कर पाता तो वहीं का वहीं रह जाता है। पर एक कॉमर्स का स्टूडेंट, मैं सीए हूं तो मैं सीए के बारे में बताऊंगा, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने 6 महीने भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर ली हो किसी सीए के यहां तो कभी वो भूखा नहीं मर सकता, वो अकाउंटेंट की नौकरी तो 100% मिल जाएगी उसको। दैट इज कॉमर्स, ये किसी और फील्ड में है ही नहीं। और दूसरी और चीज बताऊंगा, कई लोग कहते हैं कि जॉब क्रिएशन, इस बार का जो प्रधानमंत्री है उसने इस व्यू को चेंज कर दिया है। उसने कहा कि हम जॉब्स के लिए नौकरियां लोगों के लिए नहीं बनाएंगे, हम ऐसे लोगों को बनाएंगे जो लोगों को जॉब दे सके, एंटरप्रेन्योर्स क्रिएशन। And he did that. अगर आप उनके सारे प्रोजेक्ट्स को देख लें तो उन्होंने पहले अकाउंट खुलवाए, उसके बाद में मुद्रा की तरह से लोन देना चालू किया, फिर स्टार्टअप, स्टैंडअप, ये जितने भी स्किल इंडिया, हर तरीके से कहता है कि अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आप लोगों को नौकरी दो, तब जाकर के ये देश बढ़ेगा। क्योंकि अगर वर्ल्ड में हम कहीं भी यूथ को देखें तो सबसे ज्यादा यंग लोग इसी देश में हैं और वर्ल्ड के किसी देश में नहीं है। ये जो यूथ की ऊर्जा है उसको तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमको उन लोगों को एक डेडिकेटेड एंटरप्रेन्योर फोर्स बनाना है। और कॉमर्स का स्टूडेंट से अच्छा एंटरप्रेन्योर कोई बन ही नहीं सकता, कोई नहीं बन सकता। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात आती है तो मैं पिछली बार मैं सीएमआई कमेटी का चेयरमैन था तो मुझे कुछ चीजें शेयर करने की बात ध्यान में आई। हमारे यहाँ पे कैंपस इंटरव्यूज होते हैं और कैंपस इंटरव्यूज का अगर मैं एवरेज भी लूँ तो 7-8 लाख का पैकेज कैंपस इंटरव्यू में अनुमन बच्चा लेकर के चला जाता है। और सीए कोई बहुत पैसे वाले का बच्चा नहीं करता क्योंकि उसमें मेहनत बहुत है। वैसे ही सीएस आईसीडब्ल्यूबी कोई पैसे वाले का बच्चा नहीं करता, इसमें मेहनत बहुत है। इसमें सिर्फ मेहनत से वो अपने और अपने परिवार के स्टेटस को ऊपर ला करके खड़ा करता है। मैं कैलकुलेट कर रहा था कि अपने पूरे कैरिकुलम में मेंबरशिप फीस तक मिला करके एक बच्चा 50,000 रुपए सिर्फ इंस्टीट्यूट को देता है। कोचिंग आजकल चलने लगी जो पहले नहीं चलती थी। और पिछली बार का हाईएस्ट पैकेज अगर मैं सीए का कहूं तो 77 लाख रुपए गया था उसी कैंपस में जो मैं हेड कर रहा था। सो फ्रेंड्स, आई विल से वन थिंग, दे आर टीचर्स हियर, दे आर स्टूडेंट्स हियर, दे आर पेरेंट्स ऑल्सो हियर। कभी आप लोगों ने एक ईगल को उड़ता हुआ देखा है? कैसे एक ईगल उड़ना सीखता है, किसी को पता है? एक मदर ईगल अपने चोंच में लेकर के बहुत ऊंचाई तक ऊपर जाती है और उस बच्चे को ऊपर से नीचे गिरा देती है जिसे उड़ना नहीं आता। क्यों? क्या ये मदर ईगल के लिए पॉसिबल है अपने उस बच्चे को ऊपर से नीचे गिराना जिसे उड़ना नहीं आता? नहीं पॉसिबल है। उसको पता है ये गिरेगा, जमीन से टकराएगा तो मर जाएगा, पर वो क्यों करती है? वो ईगल है, उसे अपने ऊपर और अपने बच्चे पे भरोसा है कि ये मेरा बच्चा है, जब मैं इसको ऊपर से नीचे गिराऊंगी तो आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। सिमिलरली कॉमर्स के हर इंस्टीट्यूट को अपने कैरिकुलम पे भरोसा है कि जब हम आपको इस दुनिया में छोड़ेंगे यू कैन बी अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर।
अभी मैं क्यों जल्दी जा रहा हूं, देयर इज अ कमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उस कमिटी का नाम है कमिटी फॉर मेंबर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड पब्लिक सर्विसेज। उसकी एक छोटी सी हमने सिर्फ दिल्ली वालों की मीटिंग करी थी तो उसमें 70-80 लोग आ गए थे। इतने लोग पब्लिक सर्विस में, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स, पुलिस में दिल्ली के जॉइंट कमिश्नर, दिल्ली के फॉर्मर जॉइंट कमिश्नर, कई लोग हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो जिन्होंने ये डिग्रियां कर ली वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कहीं तक रुक नहीं सकता। कुछ जो टीचर्स हैं यहां पे, मैं शुरू में ही बहुत ज्यादा नतमस्तक रहता हूं टीचर्स के लिए, क्योंकि वो फ्यूचर बना रहे हैं इस देश का, और टीचर जो संस्कार डालेंगे उसी से इस देश को बनाएंगे, उसी से इस देश का फ्यूचर बनेगा। मैं गाइड तो नहीं कर सकता, पर मैं कुछ सजेशंस मेरे दिमाग में हर समय रहते हैं जो मैं जरूर देना चाहूंगा। हम पढ़ाने के साथ साथ अपने स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस जरूर बिल्ड करें। मैंने बहुत बार मार्क किया, स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस नहीं होता। हम पढ़ाएं, पर पढ़ाने के साथ में उसमें एक कॉन्फिडेंस डाल दें कि जहां तक तेरी सोच जाती है वहां तक तू जा सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती एक्सेप्ट यू योरसेल्फ। वो थिंकिंग होनी चाहिए। बच्चे बाउंड्रीज बना लेते हैं, सर मेरे से यहां तो एडमिशन नहीं होगा, इतने परसेंट नहीं आएंगे, ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, ऐसे बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हैं। एक हाथी को देखा होगा आपने, पीछे के राइट पांव में उसको एक पतली सी बेड़ी से बांधा हुआ होता है, जब वो छोटा होता है उसे तोड़ने की कोशिश करता है, नहीं तोड़ पाता है, पर जैसे जैसे वो बड़ा जब होता है उसकी कैपेबिलिटीज बहुत इंप्रूव होती है, पर उसका माइंडसेट क्या होता है, ये तो मैं तोड़ ही नहीं सकता, तोड़ ही नहीं सकता। तो उस तरीके से अपने बच्चे को ना बनाए, उसे बताएं कि आप कॉन्फिडेंस अपने अंदर पंप इन करके रखें, जहां तक आपकी सोच जाती है वहां तक आप जा सकते हैं। सर एडमंड हिलरी की एक बात याद आती है, सर एडमंड हिलरी ने माउंट एवरेस्ट को जीतने की कोशिश करी थी, जब नहीं जीत पाए थे नीचे आए थे, कुछ वर्ड्स उन्होंने कहे थे, यू गो माउंट एवरेस्ट द ग्रेटेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, यू कैनॉट ग्रो एंड कैनॉट डेवलप, आई एज अ ह्यूमन बींग विल डेवलप माई कॉन्फिडेंस, डेवलप माई कैपेबिलिटीज, वन डे आई विल कॉन्कर यू, यू विल बी बिलो माई फीट, यू विल बी बिलो माई फीट। तो कॉन्फिडेंस और कैपेबिलिटीज, ये दो चीज को बढ़ा करके हम कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। तो हमारी कैपेबिलिटीज इंप्रूव करने में हमारी टीचर्स बहुत हेल्प करती हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को भी हमारे बच्चों के जरूर इंप्रूव करें, जरूरत है। दूसरा, थोड़ी सी हम स्टडी और कैरिकुलम से बाहर उनको जनरल नॉलेज की तरफ भी लेके जाए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंटरव्यू था, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, उसके बाद में उसको पूछा गया कि अभी सेंसेक्स क्या है, बोलता लगता है सर कुछ 25-30 हज़ार। उसको पूछा गया कि भाई कुछ और चीज़ों के बारे में भी इसी तरह से, जीडीपी क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या थी, नहीं आइडिया था, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। वी नीड टू इनकल्केट सम जनरल नॉलेज, वी नीड टू टीच समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स। हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। जीवन में हर कोई इस दुनिया में आया है, उतने ही घंटे उसके पास है, जो अपने समय का सदुपयोग करता है वो आगे जाता है, जो नहीं करता है वो यही रह जाता है। वो कहते हैं कि जो टाइम को वेस्ट करता है टाइम उसे वेस्ट कर देता है। एंड सेकंड थिंग, टेक एक्शंस इन लाइफ, हर समय कुछ कर गुजरने की कोशिश करते रहा करो, सिर्फ प्लान मत करते रहा करो, कुछ करो, सोचो और आगे बढ़ो। कुछ चीज़, एक मोरल चीज़ जरूर बताऊँगा कि हमको मॉरलिटी भी सिखानी चाहिए अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारी नीड बहुत कम है। हम अगर ग्रीड देखें तो कहीं तक भी जाएं, कोई सीमा नहीं है। हम में ये वैल्यूज़ होने चाहिए कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हम अमर रहें, लोगों की यादों में अमर रहें, कुछ ऐसे काम तो ज़रूर करके जाएं। मैं कई एनजीओस चलाता हूँ, ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाता हूँ, गरीब बच्चों को एक्टिंग सिखाता हूँ। ये मेरा पैशन है कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ और कोई ऐसा काम ना करूं कि कल जिसके लिए मुझे नजरों के सामने किसी के झुकना पड़े कि भाई मैंने कुछ गलत किया। हम लोगों की यादों में अमर रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और जहां जाएं खुशियां बिखेरें। आई विल से वन थिंग दैट द पैशन, द एंथुजियाज्म विद द सीटीयू इज स्टार्टेड, सीटीयू विद अ मिशन इट इज स्टार्टेड। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है टीचर्स को आपस में इंटरेक्ट करने का, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने का, स्टूडेंट्स को अवार्ड करने का, बहुत ही अच्छा इशू और बहुत ही अच्छा आई कैन से थीम के साथ आपने इसको आगे बढ़ाया है। मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों को, सीटीयू को।
आईसीआई का एक कॉमर्स विजार्ड हुआ था, उसके बारे में अभी ग्रेवाल साहब ने मुझे कहा मैं जरूर बता दूं। आईसीआई का जो कॉमर्स विजार्ड था उसके सर्टिफिकेट जो थे कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं मिले हैं, वो ऑनलाइन उसे डाउनलोड कर सकते हैं आईसीआई की करियर काउंसलिंग के साइट से। एंड आई एम अ पर्सन हु इज़ यूज टू से कपलेट्स, तो मैं एक कपलेट जरूर कहूँगा सीटीयू के बारे में, अपनी ज़मीन अपना आसमान पैदा कर, अपनी ज़मीन अपना आसमान पैदा कर, मांगने से ज़िंदगी नहीं मिलती है दोस्त, खुद का नया इतिहास पैदा कर, खुद का नया इतिहास पैदा कर। इतना कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। माई बेस्ट विशेस टू सीटीयू। जब भी कभी सीटीयू कॉमर्स रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी करना चाहे, मेरी कोई भी सपोर्ट, मेरे को गेस्ट ऑफ ऑनर बना करके नहीं, एज ए अपना वॉलंटियर मान करके कुछ भी काम देना चाहे, मैं करने को तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir. That was indeed a very rhetoric speech and a lot of words of encouragement to all the commerce fraternity. Thank you very much. Now, I request Renu Rajwardhan ma'am to escort the honorable guest, Mr. S.S. Sehrawat, to give away the prizes to the next winner. Now, the next lot, that is lot 8, Shivam Satija, Madhav Malhotra, Salwan Public School, Rajendranagar, Jagrat Bansal, Nandan Goyal, Balbharti Rohini, Arshpreet Archika from Balbharti Dwarka. Winners, kindly come on the stage. Harman Chawla, Guru Sharan Convent, Pashchim Vihar, Muskan Agarwal, Hillwoods Academy, Preet Vihar, Deepthi and Kiran, MM Public School, Pitampura, Mayank and Gopal from Maharaja Agrasen Model School, Pitampura, Malvika Anand from Amrita Vidyalam, Pushp Vihar, Yajurved and Neha from Montfort School, Ashok Vihar, Rohan Arora, Bhai Parmanand Vidya Mandir, Suryaniketan, Sahil Kandan Kadia, Ganga International School, Delhi, Ananch Gupta, St. George's School, Alaknanda, Tanya Sikri, MDH International School, Dwarka, Pancham Gupta, Arvachin International School, Dilshad Garden, Pratibha Besht, Army Public School, Dhola Kuan, Delhi. A huge round of applause for all. Delhi Public School, Mathura Road, Rimjim Singh, Delhi Public School, Vasant Kunj, Aryan Patel and Simran from Army Public School, Shankar Vihar, Harshita Agarwal, R.D. Rajpal Public School, Dwarka, Ayush Ghosh and Apoorv, Bluebell School, Kailash, Delhi, Udeshya Khurana, Suchita, BGS International Public School, Dwarka,